हेलो फ्रेंड्स, यमी इंडियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी ये सारी सामग्री: 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार, 2 टमाटर का पेस्ट। मैंने 2 टमाटर को ग्राइंड कर लिया था। और हमें चाहिए होगा ब्रोकली के पीसेस, इसको मैंने इस साइज में कट कर लिया है। 3-4 बेबी कॉर्न, जिसको कि मैंने इस साइज में कट करके रखा हुआ है। सेम कैरेट, गाजर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। बीन्स, फूल गोभी और सागा प्याज। और हमें चाहिए होगा शिमला मिर्च के ऐसे क्यूब्स मैंने बना लिए हैं। 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, आप इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, या आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम एक बड़ा पैन लेंगे, उसको मैंने हीट होने के लिए पहले ही डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसको थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम सारी वेजिटेबल्स डाल लेंगे। और इसको हम बस 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने शिमला मिर्च नहीं डाला है, शिमला मिर्च हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर लेंगे। एक मिनट और फ्राई कर लेंगे इसको। हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक टिश्यू पेपर रख लिया, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें चला जाए। इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है, अभी मैं थोड़ा और ऐड करूंगा। और इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा हमारा पक गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। और हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हीट मैंने मीडियम रखा है अभी, और इसमें हम ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने ग्रेट किया था, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको धीमी आंच में पकाएंगे। प्याज हमारा भुन गया है, लगभग मैंने 2-3 मिनट तक इसको भुना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आधे से 1 मिनट तक पकने देंगे इसमें।
इसमें आप चाहें तो बहुत थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, ये मसाला काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। मैंने हीट को लो में रखा है। हमारे मसाले भी भुन गए हैं, अब उसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटोज को हम अच्छे से पका लेंगे। अभी हम इस पे लिड लगाकर 3-4 मिनट तक पकाएंगे इसको। 5 मिनट हो गया है, एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। मसाला हमारा पक गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए ये मिक्स वेजिटेबल्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। आप चाहें तो इसको ड्राई भी रख सकते हैं, या आप ग्रेवी वाला बनाना चाहें तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा, ना तो बहुत ड्राई और ना ही बिल्कुल ग्रेवी वाला। बस थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें, इसको हम पका लेंगे। अभी 4 मिनट हो गया है, अब एक बार हम सब्जी चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी बन गई है, इसको मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी मिक्स वेज की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब यमी इंडियाज किचन, और आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपीज। अगर आपको और कोई सी भी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम कोशिश करेंगे वो रेसिपी को अपने चैनल पर डालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।